अब इसमें हम लोगों को एक और वेरिएबल गिवन है जो कि है k इक्वल टू फोर तो अब हमने इसमें क्या करना है इसको एक ग्रुप में डिवाइड करना है फोर एलिमेंट्स के जैसे वन टू टू एंड फोर और अब हमने इसको रिवर्स किया तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया फोर टू टू वन अब हम लोग सेकेंड ग्रुप को लेंगे जो कि है फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है अब हमने इनको रिवर्स किया तो हमारा आउटपुट आ गया एट सेवन सिक्स फाइव तो हमने इसको जो हमारा ओरिजिनल आउटपुट होगा वो हमारा ये होगा मतलब हम लोगों ने ग्रुप्स बना के उसको रिवर्स करना है अब जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखो ये हमारा एक लिंग लिस्ट है और हमको k इज इक्वल टू थ्री गिवन है मतलब कि अब हमने इस लिंग लिस्ट में थ्री थ्री का ग्रुप्स बनाना है अब आप देखो फर्स्ट केस में तो हमारे पास थ्री एलिमेंट्स आ गए और हमने इनको रिवर्स कर दिया लेकिन जो सेकेंड ग्रुप है वो हमारे थ्री एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं होते लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे ना उनको हम लोग रिवर्स कर देंगे अब इसमें हमारे पास है फोर एंड फाइव तो अब हमने इनको रिवर्स किया तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो ये वाली आ गई ठीक है अब अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप लोग इससे जो हमने फर्स्ट इससे पहले वाला वो जो क्वेश्चन किया रिवर्स द लिंग लिस्ट वो आप लोग देख लो क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास लिंग लिस्ट गिवन है और हमने इसको रिवर्स कर दिया ठीक है लेकिन इसमें क्या है हमने बस उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर से रिवर्स करना है बार बार जितना एंड तक हम लोग रिवर्स करते रहेंगे तो अब अगर हम लोग इस कोड को देखें और इस कोड को देखें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है बस हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे ऐड होगा जो कि होगा काउंट नेम का जो कि क्या करेगा हमको बताता रहेगा कि हमारा यहाँ पे ग्रुप कंप्लीट हो गया तो आप रिवर्स कर दो फिर नेक्स्ट ग्रुप पे जाएगा फिर उसको दे, देखेगा कि क्या कंप्लीट हो गया तो जैसे ही नेक्स्ट हमारा ग्रुप जो है वो कम्प्लीट हो जाता है तो फिर उसको फिर से वो रिवर्स कर देगा तो यहाँ पे हमारा कोड गिवन है अब इस अगर आपको ये पहले सॉल्व करना है अच्छे से समझना है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इससे पहले वाली वीडियो देख लें ठीक है अब देखो ये हमारा पहला कोड था रिवर्स अ लिंग लिस्ट और ये है रिवर्स अ लिंग लिस्ट इन ग्रुप्स तो अब आप ये देखो यहाँ पे हमारे पास थ्री वेरिएबल्स थे प्रिव्यू पी आर ई वी देन वी हैव अ करंट और एक हमारा नेक्स्ट वेरिएबल था सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या है थ्री वेरिएबल्स गिवन है प्रिव्यू करंट और नेक्स्ट लेकिन यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गया काउंट ठीक है अब मैं आपको इसका बस ओवरव्यू दूंगी क्योंकि मैं ज्यूम कर रही हूँ कि आप ये वाली वीडियो देख चुके हो ठीक है तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा जो प्रिव्यू वेरिएबल है वो इक्वल टू है नन के ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास हेड हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है जो कि क्या कर रहा है वो इस लिंक लिस्ट को डिनोट कर रहा है तो हमने क्या किया ये यह हमारा यहाँ पे क्या है हेड है ठीक है ये यह हमारा यहाँ पे हेड है अब हमने क्या किया जो भी हमारे हेड में अंदर वैल्यूज है वो हमने करंट में दे दी तो हमारा हेड भी इसको डिनोट कर रहा है और करंट मतलब कि C भी इसी को कर रहा है है ठीक अब हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया काउंट इक्वल टू जीरो अब हमारा जो मेन है वो यहां से स्टार्ट होता है वाइल लूप से अब हमने क्या लिखा वाइल लूप में दो कंडीशन है एक तो है करंट इज नॉट इक्वल टू नन मतलब कि जो हमारा ये लूप है ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा करंट जो है वो नन के इक्वल ना आ जाए और नन के इक्वल कब होगा जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा मतलब कि हमारी जो लास्ट में लिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होके एंड तक जब तो हमारी लिंग लिस्ट पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक ये लूप चलती रहेगी ठीक है लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है एंड काउंट इज लेस देन के अब यहाँ पे हमारे पास एंड लिखा है इसका मतलब कि हमारी दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ठीक है अब हमारे पास ये एंड है एंड के बाद काउंट इज लेस देन इक्वल टू के अब जब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे ना तब आपको समझ लग जाएगी हमने यहाँ पे क्यों लिखा ठीक है अब देखो यहाँ से अब हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं एक बार आपको तब साइड बाय साइड समझ लग जाएगा अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है करंट और नेक्स्ट तो ये क्या काम करता है ये साइड बाय साइड चलेगा अगर सपोज करो हमारा करंट यहाँ पे है तो हमारा नेक्स्ट उसके साथ होगा मतलब नेक्स्ट वैल्यू होगी अगर हमारा करंट यहाँ पे है तो नेक्स्ट हमारा उसके आगे वाली वैल्यू होगी ठीक है अब देखो करंट इस हेड को डिनोट कर रहा है और ये हो गया अब लोग वाइल लूप के अंदर आ गए हमने देखा हमारी ये वाली कंडीशन क्या है ट्रू है तो हमने क्या लिखा करंट के अंदर करंट इज इक्वल टू सॉरी नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट अब हमारे नेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर होगा जो हमारा करंट डॉट नेक्स्ट में है अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू होते हैं अगर हमारी ये एक फुल लिंक लिस्ट है तो हमारी ये दो चीजों से बनी होती है एक तो हमारा होता है डेटा और एक हमारा होता है डॉट नेक्स्ट ठीक है अगर हम लोग डेटा की बात करें मतलब हम लोग वन की बात कर रहे हैं अगर हम लोग डॉट नेक्स्ट की बात करें मतलब कि हम लोग उसके एड्रेस की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे सपोज करो ए लिखा है ठीक है इसका मतलब हम लोगों को ये बताता है कि ए अब ए किसका एड्रेस है ए हमारे इसका एड्रेस है ये हमारा ए है मतलब कि वन के बाद हमारा क्या आएगा टू आएगा सिमिलरली अब टू के साइड में हमने लिखा है बी अब बी किसका एड्रेस है बी है इस थ्री का इससे हम लोगों को ये पता चलता है मतलब कंप्यूटर को कि टू के बाद क्या है थ्री आएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना ये नेक्स्ट एक वेरिएबल है और करंट डॉट नेक्स्ट इसका एड्रेस है अब आप इस नेक्स्ट की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो ठीक है अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट मतलब कि हमारा जो करंट है वो कहाँ पे है ये ठीक है यहाँ पे हमारा करंट है अब करंट डॉट डेटा तो हमारा वन हो गया और करंट डॉट नेक्स्ट हमारा हो गया ए ठीक है और ए किसका एड्रेस है ए हमारा इस चीज का एड्रेस है तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोगों का होगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि नेक्स्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है करंट डॉट नेक्स्ट और करंट डॉट नेक्स्ट क्या है हमारा ए और ए किसका एड्रेस है ए इस वाली लिंग लिस्ट का एड्रेस है मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो यहां पे होगा अब जो हमारा करंट डॉट नेक्स्ट है मतलब कि हमारी ये वाली चीज ये हमारा करंट है करंट का ये डाटा है और ये नेक्स्ट है अब हम लोग इसकी बात करें करंट डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा पी आर ई वी वेरिएबल और इस प्रिव्यू की क्या वैल्यू है नन मतलब कि हम लोगों को इसको ए को हटा के यहाँ पे क्या लिख देना है एन मतलब कि नन मतलब कि अब हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो ये हमारी लिंग लिस्ट है ना ये अब इससे अलग हो गई है मतलब ये दोनों लिंग लिस्ट अब अलग हो गई एक ये लिंग लिस्ट है और एक ये पूरी लिंक लिस्ट है क्यों क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ पे है नन मतलब कि कंप्यूटर को ये पता चल गया कि ये अकेली लिंक लिस्ट है ये लास्ट लिंक लिस्ट है क्योंकि जहां पे भी लिंक लिस्ट के लास्ट में नन हुआ मतलब कि वो लास्ट लिंक लिस्ट है ठीक है अब हम लोगो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे यहाँ पे आए प्रिव्यू इज इक्वल टू करंट अब करंट हमारा यहाँ पे है मतलब इस लिंक लिस्ट को डिनोट कर रहा है तो हमने क्या लिखा प्रिव्यू के अंदर क्या स्टोर होगा करंट तो अब हमारा जो प्रिव्यू है वो यहाँ पे आ गया ठीक है नेक्स्ट वैल्यू है करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट अब करंट के अंदर हमने क्या स्टोर करना है हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू में स्टोर है मतलब कि हमारा जो करंट है वो यहां से हटके कहा आ गया यहाँ पे आ गया ठीक है क्योंकि हमने करंट में क्या स्टोर करना है नेक्स्ट और नेक्स्ट हमारा इस लिंक लिस्ट पे है तो करंट भी हमारा यही इसी लिस्ट को डिनोट करेगा अब अब हमारा काउंट प्लस इक्वल टू वन अब पहले काउंट हमारा जीरो अब हमारा यहाँ पे आ गया वन ठीक है अब हमारा ये वाइल लूप एक स्टेप खत्म हो गया हम लोग फिर से वाइल आएंगे और देखेंगे क्या हमारा करंट नन है नहीं करंट तो हमारा टू है अभी करंट की वैल्यू मतलब कि हमारी ये कंडीशन ट्रू है अब हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे हमारा काउंट क्या है वन जो कि है छोटा के से के क्या है थ्री मतलब हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई अब मतलब हम लोग इसके लूप के अंदर क्या है आ जाएंगे ठीक है अब जब हम लोग इस लूप के अंदर आए हमने देखा नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट अब जो हमारा करंट है वो ये है और करंट डॉट नेक्स्ट मतलब इस बी की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है और बी किसका एड्रेस है बी इस लिंक लिस्ट का एड्रेस है तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में क्या स्टोर कर देंगे बी को मतलब कि अब जो हमारा नेक्स्ट है वो यहां से हट के कहा चला गया नेक्स्ट स्टेप पे चला गया जो कि ये है तो अब ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आ गया ठीक है अब करंट डॉट नेक्स्ट में हमने इक्वल टू करना है प्रिव्यू के ठीक है अब प्रिव्यू सपोज करो इस वाली इंग्लिश का एड्रेस है एक्स ठीक है अब हमारा जो करंट डॉट नेक्स्ट मतलब कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ये हमारा करंट था ये हमारा करंट लिंक लिस्ट है ठीक है डॉट नेक्स्ट मतलब कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं इसके एड्रेस की तो यहां पे हमने क्या स्टोर करना है प्रिव्यू का एड्रेस अब प्रिव्यू का एड्रेस क्या है ये x तो यहाँ पे हमने लिख दिया x ठीक है अब हमने क्या लिखना है नेक्स्ट लाइन पे आए इक्वल टू करंट अब जो जहां पे भी करंट होगा तो प्रिव्यू वहीं पे उसी को डिनोट करेगा अब यहाँ पे मैं p हटा के क्या कर रही हूँ इस वाली लिंक लिस्ट को यहाँ पे p लिख दिया क्योंकि करंट सॉरी प्रिव्यू इज इक्वल टू करंट हो गया अब अब करंट क्या होगा करंट इक्वल टू हो गया नेक्स्ट के तो अब करंट एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और यहां से हटके कहा चला जाएगा वो यहाँ पे ओके okay? अब यहाँ पे हमारा काउंट हो गया इंक्रीमेंट। अब हमारी काउंट की वैल्यू हो गई टू ठीक है और अब आप यहां से देख सकते हो जो हमारी ये वाली लिंगलिस्ट है ना सबसे पहले केस में ये हमारी स्टार्टिंग में थी लेकिन अब ये लास्ट में है ठीक है और जो ये एरो है ना एरो हमारा चेंज हो गया पहले एरो इस तरफ को जा रहा था अब हमारा एरे इस तरफ को जाएगा वो क्यों एरे एरो इस तरफ को जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे एक बार बताती हूँ एक मिनट हम्म अब एक हमारी ये लिंग लिस्ट है एक हमारी ये लिंग लिस्ट है ठीक है इसमें वन है और इसमें n है और इसमें यहाँ पे x, ये टू ये x, और ये ए अब देखो वन है ठीक है वन में हमारे पास क्या एड्रेस है एन मतलब कि ये लास्ट लिंग लिस्ट है ठीक है लेकिन अब हमने इसमें क्या देखा कंप्यूटर जब हम टू के पास आया तो कंप्यूटर ने देखा टू वैल्यू के जो पीछे एड्रेस है ना वो एक्स लिखा है अब एक्स एड्रेस किसका है एक्स तो इसका एड्रेस है इससे ये पता चला कि टू के बाद हमारा वन आएगा ठीक है आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो मतलब आपने पहले लिंग लिस्ट ये बना ली यहाँ पे टू लिख लिया यहाँ पे एक्स और इसका एड्रेस है एम और फिर यहाँ पे हमने वन फिर इसका एन और इसका एड्रेस है एक्स अब आपको यहां से इजी लगेगा अब देखो टू है ठीक है सबसे पहले कंप्यूटर टू के पास आया उसने देखा कंप्यूटर के एड्रेस में यहां पे क्या लिखा है एक्स। और एक्स किसका एड्रेस है एक्स तो वन का एड्रेस है 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 इसका मतलब टू के बाद हमारा हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? वन है। तो अब टू के बाद हमारा क्या आ गया वन और जो वन है उसके बाद क्या है वन के बाद हमने नन लिखा है मतलब कि जो वन है वो लास्ट लिंग लिस्ट है अब अब हम लोग क्या करेंगे फिर से इस वाली कंडीशन में आ गए वाइल लूप में आएंगे और चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू है अब देखो करंट हमारा यहाँ पे है और करंट नन के इक्वल नहीं है मतलब ये कंडीशन ट्रू है अब काउंट हमारा टू है जो कि लेस है थ्री के ये कंडीशन भी ट्रू है हम लोग फिर से इसके अंदर आ गए अब जब हम लोग अंदर आए हमने क्या देखा नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट है वो पहले यहाँ पे था अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है और जो करंट डॉट नेक्स्ट है मतलब कि सी की जगह करंट यहाँ पे है ना तो इसके सी की जगह क्या हो जाएगा प्रिव्यू का एड्रेस और प्रिव्यू का एड्रेस क्या है ए तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया अब हम नेक्स्ट लाइन में प्रिव्यू इक्वल टू हो गया करंट के तो यहाँ से प्रिव्यू को हम लोग हटा देंगे और सॉरी यहाँ से मैंने एन को हटाना भी भूल गई थी हम्म एन हमारा यहाँ पे है ठीक है अब यहाँ पे हम लोग ने प्रीव्यू को यहाँ लिख दिया ठीक है अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ करंट इक्वल टू नेक्स्ट हो गया मतलब कि जो हमारा करंट था वो पहले इस पे था अब करंट कहाँ पे डिनोट कर रहा है नेक्स्ट मतलब कि इधर हमारा करंट हो गया ठीक है अब हमने काउंट क्या कर दिया प्लस इक्वल टू वन अब हमारा काउंट हो गया थ्री ठीक है अब हम लोगों ने फिर से कंडीशन ये चेक करेंगे वाइल लूप वाली ठीक है अब हमने देखो वाइल्ड लूप में हमारे पास एंड है बीच में मतलब कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ये कंडीशन तो ट्रू है तो ये करंट की वैल्यू क्या है फोर जो कि नन के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू लेकिन काउंट हो गया हमारा थ्री जो कि छोटा नहीं है थ्री से तो हमारी यहाँ पे ये कंडीशन स्टॉप हो गई ठीक है अब हमने ये स्टॉपेज क्यों लगाया इससे हम लोगों को ये पता चला कि हमने एक ग्रुप जो है वो कंप्लीट कर लिया है अब हमने इसको रिवर्स करना है ठीक है हम लोग वैसे तो साइड बाय साइड रिवर्स कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो गया ठीक है अब आप देखोगे हमने कहाँ पे आए हम लोग इस इफ कंडीशन पे आए ठीक है अब अब हमारा देखो इक्वल हो गया इसका मतलब हम लोग वाइल्ड लूप कंडीशन जो है वो वाइल्ड लूप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई अब हम लोग आ गए इफ में हमने इफ में देखा नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कहाँ पे है यहाँ पे मतलब नेक्स्ट की वैल्यू क्या है फोर और देखो फोर नन के इक्वल नहीं है इसका मतलब कि अभी हमारे पास और लिंग लिस्ट है अब हमारे पास और लिस्ट है अभी हमको इतना पता चला कि हमने बस एक ग्रुप कंप्लीट किया लेकिन आगे लिस्ट है अब हम लोग क्या करेंगे फिर से रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे और ये देखो ये हमारा रिवर्स फंक्शन जो है ना इसी के अंदर हमने ये सारा कोड लिखा है ठीक है अगर हम लोग नॉर्मली करें ना कि हमने रिवर्स करना है एक लिंक लिस्ट को तो हम लोग यहाँ कोड लिखेंगे बट यहाँ पे है कि रिवर्स तो करना है लिंक लिस्ट को लेकिन ग्रुप्स में करना है तो इसलिए हम लोगों को ये टू लाइंस और लिखनी पड़ी इसमें हमने क्या लिखा कि अब हमने एक ग्रुप तो कवर कर लिया कंप्लीट कर लिया और हमारा अभी भी जो लिंक लिस्ट है वो ख़त्म नहीं हुई इसका मतलब हमने फिर से इस रिवर्स फंक्शन को कॉल करना है वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा और वो फिर से सारे स्टेप दोबारा से चलाएगा लेकिन अब वो स्टेप कहाँ से चलाएगा जहाँ पे उसने खत्म किया मतलब कि यहीं से वो स्टेप चलाएगा और फिर से वो अब जो ये ना नेक्स्ट था वो आगे चला जाएगा करंट हमारा यहीं पे जाएगा प्रिव्यू हमारा आगे चला वो ऐसे करते करते ये सिमिलरली जैसे हमने ये रिवर्स लिस्ट किया वैसे ही लिस्ट हमारी ये वाली भी रिवर्स हो जाएगी ठीक है तो हम लोग ने क्या किया जब हमारी लिस्ट रिवर्स हुई ये वाली पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पे हमारा था थ्री और इसका ए। यहां पे ए था ठीक है अब देखो यहां पे हमारा था अब देखो जब हमने इसको रिवर्स किया ना इन अब देखो ये वाली लिंग्लिश हमारी रिवर्स हो गई है जो हमारा देखो थ्री है थ्री के पास सबसे पहले हमने थ्री लिखा थ्री के थ्री के पीछे हमारा एड्रेस था ए और ये हमारा इसका एड्रेस खुद का बी है अब ए किसका एड्रेस है ए है हमारे टू का एड्रेस इसका मतलब three के बाद आएगा हमारा टू मैंने एज इट पे लिख लिया ठीक है अब two में क्या है एक्स है और एक्स इसका एड्रेस है X है one का एड्रेस मतलब कि हमारे टू के बाद आएगा वन और अब हम लोग इसका देखेंगे इसका एड्रेस क्या है नन इसका मतलब कि ये जो हमारी तो ये तो ये हमारी लास्ट वैल्यू हो गई मतलब हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे ठीक है अब आप यहाँ पे देखो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है अब हम लोग क्या करेंगे अब हमारा जो हेड डॉट नेक्स्ट है ना मतलब कि यहां से ठीक है यहां से हम लोग स्टार्ट होंगे और हम लोग दोबारा से रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल करेंगे ठीक है और इसमें हम लोग जो हम लोगों ने देखो इस रिवर्स फंक्शन में हमने हेड दिया था और के दिया था ठीक है के तो हमारी वैल्यू सिमिलर रहेगी थ्री जो हमने इस केस में थी लेकिन अब हमारा हेड जो है वो चेंज हो जाएगा पहले हमारा हेड था यहाँ पे लेकिन अब हमने हेड की जगह क्या वैल्यू दी है नेक्स्ट की और नेक्स्ट हमारा कहाँ पे था नेक्स्ट हमारा ये एन लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट था इसका मतलब हम लोग यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यहां से हमने स्टार्ट किया और हम लोगों ने इन दोनों को रिवर्स किया अब देखो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जब मैं आपको एक बार करके बता देती हूं जो हमारा यहां से अब हम लोगों ने एन है और यहाँ पे हमारा करंट है अब नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो गया ठीक है हमारा नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे रहेगा सॉरी हमारा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट क्यों आए क्योंकि करंट तो हमारा यही है ना

और जो हमारा करंट है वो नेक्स्ट पे चला जाएगा अब करंट यहां से हटके हमारा कहां पे चला गया यहाँ पे ओके okay. अब आप यहां पे देखोगे एक बार जो हमारा फोर है फोर के बाद हमारा बी एड्रेस आ रहा है ठीक है और जो हमारा बी है वो किसका एड्रेस है बी हमारे थ्री का एड्रेस है ठीक है अब यहाँ पे हमने एक अलग से लिंक लिस्ट बना लेनी है फोर बी और इसका एड्रेस जो खुद का है वो सी है ठीक है अब आप नेक्स्ट क्या करोगे फिर से हम लोग इस लूप पे आएंगे हमारा जो काउंट है वो वन हो गया इंक्रीमेंट ठीक है हम लोग फिर से सारा स्टेप करेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट है वो कहाँ हो जाएगा करंट डॉट नेक्स्ट के ठीक है मतलब कि हमारा करंट डॉट नेक्स्ट तो कुछ है नहीं मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट है वो खत्म हो गया ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट में क्या हो जाएगी प्रिव्यू की वैल्यू तो यहाँ पे एन को हटा के हमने क्या लिख देना है यहाँ पे सी ठीक है क्योंकि अब प्रिव्यू इसके अंदर हमने क्या स्टोर करना है प्रिव्यू की वैल्यू तो प्रिव्यू हमारा इसको डिनोट कर रहा है और इसका एड्रेस क्या है सी तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 5. Then we have C. और इसका एड्रेस खुद का क्या हो गया डी ओके okay. अब आप यहाँ पे क्या देखोगे <coughs> जो हमारा फाइव है ठीक है सबसे पहले कंप्यूटर फाइव को देखेगा और कहेगा कि फाइव के पीछे क्या है सी मतलब कि फाइव किसको डिनोट करेगा फोर को क्यों क्योंकि जो सी एड्रेस किसका है सी तो इसका एड्रेस है तो मैं इसको यहाँ से हटा के एरो इजी आपको समझने में रहेगा इसको मैं पीछे लिख देती हूँ यहाँ पे इसका खुद का फोर है इसका खुद का एड्रेस है ये सी और इसका यहाँ पे बी अब देखो जो फाइव है फाइव कहेगा कि फाइव के बाद पीछे क्या है सी का एड्रेस और सी किसका एड्रेस है फोर का इसका मतलब फाइव के बाद हमारा क्या आएगा फोर आएगा ठीक है अब हमारी एक लिंक लिस्ट ये बन गई और हमारी एक लिंक लिस्ट जो है वो ये बन गई अब हम लोगों ने क्या करना है इन दोनों को कंबाइन करना है अब कैसे कंबाइन करना है अब आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा अब हमने इसको कर लिया ठीक है अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे ना तो हमारी वाइल्ड लुक जो है वो खत्म हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पे हमारी वाइल्ड लुक खत्म हो गई अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे इफ में आ जाएंगे अब हमने इफ में देखा नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन बट नेक्स्ट हमारा नन के इक्वल हो चुका है मतलब कि वो खत्म हो गया अब हम लोग इस जो हमारा इस वाली लूप को है वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ठीक है अब जो लास्ट केस में जो हमारा प्रिव्यू होगा ना वो एक स्टेप आगे चला जाएगा और करंट अब देखो मैं आपको बता दू यहाँ पे हमारा प्रिव्यू है ठीक है करंट और नेक्स्ट जो है ना वो खत्म हो गए क्यों क्योंकि उनको हमने कहा था एक एक स्टेप आगे बढ़ो बट एक एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए तो कोई जगह ही नहीं क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गई अब हमारा पे है मतलब कि प्रिव्यू जो है वो इसको डिनोट कर रहा है ओके अब यहाँ पे देखो हमारा ये हेड था ठीक है मतलब कि ये जो चीज है ना ये हमारे हेड थी ठीक है अब हमने जो दोबारा सेकेंड वाली जो लूप चलाई ना वो हमने ये वाली लूप चलाई जो कि हमारे पास दो चीजें हैं ये दोनों फाइव और फोर ओके okay? अब आप इसमें देखोगे यहाँ पे भी फाइव और फोर एक लिंक लिस्ट हो गई और थ्री टू वन एक लिंक लिस्ट तो यहाँ पे भी थ्री टू वन एक लिंक लिस्ट है और फाइव फोर एक लिंक लिस्ट है अब हमने इनको कंबाइन करना है अब वो कैसे करेंगे हम लोग अब देखो जो ये है ना इस 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 लिंक लिस्ट को हेड डिनोट कर रहा है ठीक है और अब हमने जो ये वाली लिंक लिस्ट चलाई है ना वो हमने कहां पे स्टोर किया हेड डॉट नेक्स्ट में मतलब कि इस फुल को हेड डिनोट कर रहा है अब हेड डॉट नेक्स्ट के आगे क्या आएगा ये वाली लिंक लिस्ट आ जाएगी ठीक है तो यहां पे क्या होगा अब आप यहां पे देखोगे इसका जो नन है ना वो यहां से हट जाएगा ठीक है और यहां पे हमारा आ जाएगा डी वो क्यों आएगा क्योंकि जो इस पूरी लिस्ट को हमारी इस पूरी लिंक, लिंक, लिंक लिस्ट को हेड डिनोट कर रहे हैं और जो हमने ये चलाई है ना दूसरी वाली वो हमने क्या कहा वो कहां पे स्टोर करेगा? हेड डॉट नेक्स्ट के और हेड डॉट नेक्स्ट हमारा ये हुआ ये हमारा हेड था और डॉट नेक्स्ट मतलब यहां पे तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको यहां पे स्टोर करेंगे तो यहाँ पे इसका एड्रेस हो गया डी ठीक है तो यहां पे अब इसके बाद हमारा हो गया फोर एंड फाइव और यहां पे सॉरी यहां पे मैं यहां पे बी नहीं आएगा यहां पे आएगा नन मैं स्टेप में लिखना भूल गई यहां पे आ जाएगा नन ठीक है यहां पे नन क्यों आएगा क्योंकि देखो जब हमने ये फर्स्ट वाली लाइव वाइल लूप चलाई थी ना और हम लोग जब इस पे आए थे ना इस वाले पे तो यहां पे हमने क्या किया था इफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन अगर हमारे पास ऑल है तो हम लोग इस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे ठीक है और जब हमने इस फंक्शन को फिर से कॉल किया था ना तो जो हमारा प्रिव्यू था preview हमारा नन हो गया था ठीक है और प्रिव्यू हमारा उस वक्त इस चीज को डिनोट कर रहा था तो वो बी की जगह वहां पे हमारा एन हो जाता है इसलिए यहाँ पे हमारा जो है वो एन डिनोट करेगा और हमको पता है लिंक लिस्ट जो लास्ट लिंक लिस्ट होती है वो एन उसका एड्रेस जो होता है वो एन ही होता है यहाँ पे तो यहां से हम लोगों को पता चल गया थ्री टू वन देन फाइव एंड फोर तो थ्री टू वन फाइव एंड फोर और ये हमारा कोड है ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट आउट कर सकते हो थैंक यू